वक्त की सबसे बड़ी खबर, 18 महीने बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। पीएम आज बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम के साथ दोनों जगह मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी आज बिहार में 34,800 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आखिरी बार 12 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक मंच पर नजर आए थे। 18 महीने बाद एक बार फिर से दोनों एक साथ नजर आएंगे। तो पीएम के आगमन को लेकर के बीजेपी में गजब का उत्साह है। पीएम सबसे पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, जहां वो 21,400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिसे पटना रिंग रोड के एक हिस्से के रूप में विकसित भी किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा, जिसका आधारशिला पीएम मोदी रखने वाले हैं। तो बेहद खास हो जाता है उनका ये दौरा। और पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार को 34,800 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज बिहार को क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, पिटारा है, घोषणाओं का पिटारा है, और उनके पिटारे में क्या क्या है ये हम आपको बताते हैं। पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास होगा, पाटलिपुत्र पहेलजा रेल लाइन दोहरीकरण भी होगा, इसके अलावा बरौनी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन होगा। तो ये है पीएम मोदी के पिटारे में। गंगा नदी पर 6 लेन पुल की आधारशिला रखेंगे, जो सबसे बड़ा होने वाला है। बंदुआ पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, जिसकी मांग काफी समय से हो रही थी। गया में एक मेमू शेड का लोकार्पण भी पीएम मोदी करने वाले हैं। आरा बाईपास रेल लाइन का शिलान्यास होगा। तो यहाँ पर करोड़ों की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। एक एक करके हमने आपको उन तमाम योजनाओं के बारे में बताया, जिसका फायदा वहां की आम जनता को पहुंचेगा। तो यूनिटी मॉल का शिलान्यास होगा, ऐसे में पीएम का ये दौरा काफी ज्यादा अहम हो जाता है, जिसमें उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आएंगे। और कुछ समय पहले ही पाला बदला, यानी कि फिर से घर वापसी उन्होंने एनडीए में की, ऐसे में दिलचस्प होगी वो तस्वीर। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि पाटलिपुत्र पहेलजा रेल लाइन दोहरीकरण, ये एक एक करके योजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी करने वाले हैं। आप देखिए, 4 ट्रेनें हैं जिसकी सौगात मिलने वाली है। दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, इसके अलावा जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, 4 ट्रेनें जिसका फायदा बिहार के लोगों को मिलने वाला है। और ये मांग काफी समय से हो रही थी, जो अब बिहार वासियों की मांग इसके जरिए पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद दिलचस्प हो जाता है। एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ऐसे में आखिरी बार 2022 में दोनों ने मंच साझा किया था, और फिर से आज ये मंच साझा करने वाले हैं नीतीश कुमार पीएम मोदी। और मेगा शो पीएम मोदी का होने वाला है। पीएम मोदी का मिशन बिहार इस लिहाज से भी अहम हो जाता है, क्योंकि चुनावी मोड में है इस वक्त एनडीए, और पीएम मोदी ने जो नारा दिया 400 पार का, उसी को लेकर के बिहार भी काफी अहम हो जाता है, और उसी से एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार की वापसी होती है। और नीतीश कुमार ने कहा कि अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर लगभग 18 महीने के इंतजार के बाद देखने को मिलेगी। और News18 India संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, 2022 में आखिरी बार पीएम मोदी नीतीश कुमार नजर आए थे, एक बार फिर से वही दिलचस्प तस्वीर, और पीएम मोदी के पिटारे में बिहार के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल, देखिए, और वो दिलचस्प तस्वीर यहां से इस मंच से दिखाई देगा, जब पहली सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस औरंगाबाद ग्राउंड से शुरू होगा, और इस मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। महागठबंधन बनाने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार, महागठबंधन के एक तरह से कहा जाए कि यही पुरोधा थे, लीड कर रहे थे उसको, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। और ये वो तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगे, और उस मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। 21,000 करोड़ के परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन होना है, जिसका इंतज़ार न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि मगध के लोग कर रहे थे। और अब
उस वो वक्त भी अब थोड़ी देर बाद आ जाएगा जब यहाँ पर एक मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं और अब वो एनडीए के साथ रहेंगे। जाहिर सी बात है, चुनाव भी भर जाएंगी क्योंकि दोपहर का कार्यक्रम है। चंद्रमोहन, आप पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताइए, क्योंकि पहले आज वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे, उसके बाद वो बिहार पहुंचने वाले हैं, कैसे बिहार की जनता को फायदा होगा जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पर औरंगाबाद में पहुँचना है, जहाँ पर 21,000 करोड़ के परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे। और इससे पहले बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, जिला है गया, गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचना है और इस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद फिर यहाँ से बेगूसराय तकरीबन 5 बजे के करीब वो पहुँचेंगे, जहाँ पर वहाँ भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और 7:30 बजे के करीब वो पटना एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जिसके बाद उनकी वापसी होगी। इस वक्त का इंतज़ार काफ़ी दिनों से लोग कर रहे थे, जब बिहार को एक बड़ी सौगात मिलेगी, जिसमें चाहे वो मगध क्षेत्र की बात करें, बिहार के उस हिस्से की बात करें जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, झारखंड को जोड़ता है, तो वहीं मध्य बिहार की बात करें जहां पर बेगूसराय में इंतजार दोपहर का है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम नरेंद्र मोदी आज नादिया के कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम नादिया के कृष्णानगर में दामोदर घाटी निगम की रघुनाथपुर बिजली परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना पर 11,336 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। और हमने कल दिलचस्प तस्वीर भी देखी थी, जब ममता बनर्जी खुद पहुंची थी राजभवन में मिलने और बंगाल की मिठाई लेकर गई थी। ये कहा गया था, आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद है। आशिका, हम उस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, कल एक प्रोटोकॉल के तहत भी ममता बनर्जी मिली थी, लेकिन जो आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए और पश्चिम बंगाल की जनता को इससे कितना फायदा होगा। देखिए, फिलहाल मैं राजभवन के सामने हूँ, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। प्रधानमंत्री यहीं पर रुके हुए हैं, रात्रि विश्राम किया और इसी हफ्ते जब 6 तारीख को कार्यक्रम होगा उसके पहले भी 5 को लौटेंगे, यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही साथ कृष्णनगर में आज जो जनसभा होगी वो खास होगी। सरकारी परियोजनाएं भी, कल भी बड़ा तोहफा पश्चिम बंगाल को दिया, 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को दी प्रधानमंत्री ने। और साथ ही साथ बात अब ममता बनर्जी की कर रही थी, इसी राजभवन में ममता बनर्जी मिलने आई थी प्रधानमंत्री से, करीब 20 मिनट तक दोनों की 1-to-1 मुलाकात रही। ममता बनर्जी ने निकलकर कहा है कि मेरी किससे मुलाकात होती है तो राजनीतिक बातें कम और इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं, तो ये ममता बनर्जी ने कहा। हालांकि इसके पहले भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी वो कटाक्ष करते हुए ट्वीट कर चुके थे ममता की मुलाकात पर। जसप्रीत, ठीक है आशिका, नजर में रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल ममता बनर्जी ने राजभवन पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी बंगाल की मिठाई लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और जैसा कि हमारी सहयोगी आशिका ने बताया कि ममता ने कहा कि राजनीतिक बातें नहीं हुई,